हाय गाइस, सो इतने दिनों बाद मैं वापस आ चुका हूँ। बहुत टाइम से मुझे व्लॉग ऑन करना था, पर मेरे क्या कह सकते हैं, इमोशनली मैं इतना कह सकते हैं यार, इतना पजल्ड था, तो ज़्यादा फंसा हुआ हूँ मैं चीज़ों में। मैं धीरे धीरे आपको, अब डेली बनाऊँगा तो आपको बताना चालू करूँगा। आज बताऊँ फिर बाद में ना बताऊँ तो सीधी बात है, ख़राब हो जाएगा सीन। अगर मैं डेली करता हूँ कंटिन्यू वीडियोज़ जो मैं करने वाला हूँ, तो मैं ज़रूर बताऊँगा। फ़िलहाल मेरी लाइफस्टाइल कुछ ऐसी चल रही है, मैं सिर्फ और सिर्फ 2 महीने से भाग ही रहा हूँ, क्योंकि केस जो पापा के ऊपर मतलब बनना चाहिए था वो तरीके से नहीं चल रहा था। तो मैंने जितना मेरी पहुंच अप्रोच कह सकते हैं सब कुछ लगा लिया है। लकीली सब चीज़ें फेवर में आ रही हैं, गवर्नमेंट हमारे फेवर में आ रही है, बट स्टिल इट्स टेकिंग टाइम। तो फ़िलहाल तो मैं बस कोशिश ही कर रहा हूँ, पर केस अभी भी फाइनल हुआ नहीं है। हो रहा है। आज दिन तक का मेकअप है बहुत बड़ा वाला, बहुत बड़ा मतलब ग्रैंड मेकअप, मतलब डेस्टिनेशन वेडिंग का मेकअप आर्टिस्ट है इनका। तो ये रिजॉर्ट पे आया हुआ हूँ, सुबह सुबह मेकअप करने हुए, और है ना बाकी सारी लड़कियाँ भी आई हैं सीधी बात है साथ में। और अपन आज मैं आपको पूरा दिन दिखाने वाला हूँ, जो मैं मान लो ये तो आज का थोड़ा अलग दिन हो गया मेकअप है, तो बाकी आपको बाकी दिन दिखाऊंगा। जैसे मैं मेरे शॉप पे जाता हूँ, कस्टमर से डील करता हूँ, तो आपको बहुत मजा आएंगे देखने में, क्योंकि मैं पापा से जैसे ये सीखा हूँ ना भाई, आप खुद हंसने लग जाओगे जब मैं बात करता हूँ कस्टमर से, बिल्कुल दुकानदार, एक टिपिकल दुकानदार की तरह एक क्रंच के साथ हंसी मजाक होती रहती है, एंड कस्टमर खुशी खुशी चीज़ें ले आता है। बाकी एक बार आप मेरी लोकेशन देख लो आराम से, ठीक है। अच्छा लिटिल अपडेट दे दूँ बस एक छोटा सा, ये जो कार खड़ी है ना यहाँ पे, देखो ये व्हाइट वाली हाँ बीच में ये कार आ चुकी है। मेरी कार लास्ट वाली चली गई थी, याद है आपको, फिर मैं बीच में दिल्ली गया था कार लेने, उसके बाद अभी मैं रिसेंटली कार लेके आ चुका हूँ। मुझे कार की बहुत ज़रूरत थी, तो चाहिए थी पहले भी लेने जा रहे थे, फिर 2 महीने रुक के अब गए, नहीं तो जाना तो था ही। चलो विनीता से भी मिलाता हूँ, बाकी लोगों से अगर मिला पाया तो मिला तो, नहीं तो ऑकवर्ड हो जाता है। बाय। लो भाई फिर एक अनप्रेडिक्टेबल ट्विस्ट, अचानक से लाइव जाने वाला था विनीता का फोन आ गया, चलो भाई यहाँ से चलना है, गाड़ी जा रही है पुष्कर की तरफ, आपको आगे मिलता हूँ इसको छोड़ने के बाद। ब्लॉग बनाने की आदत छूट गई है मेरी, बताऊँ अभी मैं उनको छोड़ के भी आया, मैंने वीडियो ही नहीं बनाया, फिर मैं अभी गाने वाने चला के आराम से कार में भगवान के गाने सुनते हुए चल रहा था, फिर मेरे को ध्यान आया अरे यार आज तो मैंने ब्लॉग चालू कर दिया। मुझे अभी जाना है घर पे, नहाना है, कपड़े चेंज करके मुझे जाना है दुकान, दुकान से जाना है मुझे लॉयर के पास, कोर्ट में जाना है आज मुझे, जो पापा की केस है, 2 केस है, मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा, दोनों पे मुझे जाना है। जैसा आपको बताया था, नहा धो के आ गए अपन कोर्ट में, अब कोर्ट में जाके मिलते हैं वकील से हमारे, अल्लाह तो पापा के क्या होगा। ये देखो भाई कोर्ट का माहौल पूरा भरा हुआ है, सब हमारे वेट कर रहे हैं बस सर का हमारे यहाँ पे, आपको धीरे धीरे सब बताएंगे, पर फिलहाल जो हमारा लॉयर है उनका वेट कर रहा हूँ बस। भाई मैं यहाँ पे बैठा हूँ, वेट कर रहा हूँ लॉयर का, और लॉयर आके बहुत, चलो मैं बाद में मुंह खोलूंगा अपना, लॉयर भाई ढंग से बात नहीं करते, सीधी बात है मैंने देखा है। फिलहाल तो भाई मैं बैठा हूँ उनकी चेयर पे वेट कर रहा हूँ, देखता हूँ आते हैं फिर कैसे बात करते हैं, फिर आपको मैं मेरा रिव्यू दूंगा आपको कौन सा लॉयर कराना चाहिए अगर आप अजमेर में अपना केस लड़ रहे हैं तो। एक के बाद एक काम चलता जा रहा है, अभी वहाँ से आए अपन कोर्ट से, और अब जा रहे हैं हम बैंक दुकान से होने के बाद। लो भाई पहुँच गए बैंक। लो भाई लेके आ गया फॉर्म। तो एक्चुअली हुआ क्या था, मैं दिल्ली में जब अभी गया था रिसेंटली, 4-5 दिन पहले मैं दिल्ली में था, तो मैं कुछ काम से पैसे निकाल रहा था, विड्रॉ कर रहा था एटीएम में से, एंड होता क्या है ट्रांजेक्शन हाफ कंप्लीट होती है, एटीएम अचानक से बंद हो जाता है और मेरे पैसे कट जाते हैं, 10,000 रुपये मेरे कट गए थे। तो उससे रिगार्डिंग मैं बैग में लेके आया था अपनी भाई कंप्लेंट, उन्होंने बोला एक दिन और इंतज़ार करो, उसके बाद ही तो ये फॉर्म फिल करके दे देना, आपके पैसे आ जाएंगे आपके पास। भाई आ गया मैं दुकान पर जो इतने टाइम से डाल रहा था, और अब जाके मैं आपको बताता हूँ भाई क्या हुआ। ये देखो भाई हंस रहा है ये लड़का हमारे अब साथ में मेरे साथ बैठता है शॉप पर, कुणाल नाम है इसका, और यही हेल्प करता सारी अभी। बाकी देख लो भाई दुकान पे मैंने थोड़ा चेंजेस कर दिए हैं, जैसे ही पापा गए तो मैंने थोड़ा सेटअप वेटअप चेंज कर दिया है, एक ये सेठ को रखा है हमने साथ में हमारे पे थोड़ी दृष्टि रखने के लिए, देखो एटीट्यूड में कितना है। देखो भाई अब से आपको जब भी मैं दुकान पे दिखूंगा तो शायद तो ये दिखेगा ही, 15-20 मिनट गायब रहता है तो रहता है, उसके अलावा ये गायब नहीं रहता छोरा बाकी। भाई इतनी देर से लगातार पिछले 3 घंटों से इतनी ग्राहकी, इतना कस्टमर बेस था हमारा, सारा ये हमारा जो आइटम्स है हमारा ज्वेल्स बाय विजय नाम से वैसे यहाँ पे पेज है कुछ डाल देगा, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हो इंस्टाग्राम पर, वहाँ पर मैं मेरा जो दुकान का सारा माल है वो डालता हूँ। बाकी भाई पिछले 3 घंटों से लगातार कस्टमर थे, पैसा ही पैसा हो गया, चला चला के थक गए, और अब जाके फ्री हुए हैं, और अब जाके मुझे दिमाग में आ रहा है मैं तो व्लॉग बना रहा था। तो भाई कैसा रहा भाई आज का दिन, कैसा जा रहा है वैसे? अच्छा जा रहा है, वैसे तो बहुत दिन अच्छी थी, अच्छी थी। अब आपको हो सका तो एक क्लाइंट का दिखाऊंगा, कोशिश करूंगा अगर हम दोनों रहे तो वो साइड से रिकॉर्ड कर लेगा, और एक क्लाइंट का बिना परमिशन इलीगल तरीके से वीडियो बना के डाल देंगे आपके लिए। हाँ भाई इलीगल तरीके से होगा, फिर क्या परमिशन लेनी पड़ती है भाई। फाइनली हाथ देखो मेरे, देख रहे हो, लग रहा है मैं
शॉप पे या कुछ ऐसे इमिटेशन ज्वेलरी की शॉप पे काम करता हूँ। फिलहाल मुझे अब इंता को लेने जाना है क्योंकि उसका मेकअप भी खत्म होने वाला होगा, लेट होगा वैसे खत्म, और उससे पहले और भी काम है। 8 बज चुकी है, अभी तक दुकान पे बैठा हूँ। देखो लाइफ कितनी चेंज हो गई भाई, अभी तक दुकान पे बैठा हूँ और लकीली आज फ्लो कस्टमर्स का बहुत अच्छा था। तो सोचो ये सब बातें भाई, दुकानदार बन गया हूँ तो अब ये सब बातें तो आती हैं। हाँ बाकी इसका जो भी पैसा होता है ना बंद करना इसको, वो मेरे पास नहीं आता है भाई, वो पैसा आता है मेरी मम्मी के पास। सही बात है। तो 1 रुपया मतलब, हाँ 1 रुपये का 10% मैं रखता हूँ, पर मुझे 10% में बहुत चीज़ें चलानी होती है दुकान की, इसलिए मैं रखता हूँ। बाकी 1 रुपये मैं नहीं रखता हूँ, आप लोगों की दया से मैं बहुत कमा रहा हूँ, अंधा उगा रहा हूँ। चलो भाई अब रैप करना चालू करते हैं दुकान का, मतलब आज का दिन थोड़ी देर में, फिर हमको इम्पोर्टेंट काम से भाई कुछ आता है। क्या चाहता है भाई तू? कुछ नहीं, कर जाऊँगा बस मेरे भैया गियर चेंज करो गाड़ी का। तो भाई अपन तो आ गए घर थक थका के। अब भाई कुणाल भाई का आज बेस्ती की भैया मेरे साथ आज चक्कर मारने चलना, तो आज कुणाल के साथ जा रहे हैं थोड़ा घूमने फिरने। अनिता भी नहीं है तो मैं भी बोर ही हो रहा था, मम्मी पार्लर पार्लर में लगी हुई है, तो भाई निकलते जल्दी से। बीवी माइक नहीं गई पर क्या हुआ, कहीं तो गई। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बेशरम देखो भाई खड़ा है भारी, ये कौन सा भाई हमारा रिश्ता निभा रहा है ये, पता नहीं बोल रहा भैया मेरे को गियर लगाने हैं। कौन से गियर लगाना चाहते? घर के बाहर की हालत है मेरी, देखो क्या उर्स चल रहा है, ये हालत हो रही है। और क्या बात है, उर्स के टाइम पे राम मंदिर का भी इनॉग्रेशन है तो वो भी बहुत अच्छी बात है भाई। सेक्युलरिटी एट इट्स पीक। हम आए ये रूपा बार में, देखो लग नहीं रहा बार जैसा बिल्कुल, पर ये रेस्टोरेंट है, हम खाना खाने आए बढ़िया सा। कुणाल देखो बिल्कुल डर के बैठा हुआ है, पता नहीं क्यों। आपको इसके काले चिट्ठे धीरे धीरे बताता रहूँगा मैं। तो भाई स्टे ट्यून्ड फॉर डैट। तो भाई अपन तो निकल गए अब विनीता को लेने के लिए, घर पहुँचे और घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही भाई कार लेनी पड़ गई हमको, सीधी बात है। अब विनीता को लेने जा रहे हैं भाई, खाना वगैरह खा लिया है अच्छे से हम दोस्त, सीधी बात है कुणाल के साथ बैठा था जो दुकान पर मेरे साथ बैठता है उसके साथ बैठा था। अब मैं जा रहा हूँ विनीता को लेने पुष्कर। सोचो रात की बज रही है अभी, शायद मेरे हिसाब से बज रही 11:30, अभी पुष्कर लेने जा रहा हूँ क्योंकि सीधी बात है एक्चुअली आपको बहुत बढ़िया ट्विस्ट आया जो हमारे लिए फ्रूटफुल रहा काफ़ी, तो वो आपको आगे बताता हूँ, ठीक है शेड्यूल। तो भाई मैं तो पहुँच गया था विनीता को लेने के लिए लोकेशन पे, अब आपको सुबह ब्लॉग भी दिख जाएगा। फिलहाल यहाँ पर काफ़ी कम लोग हैं और अपन गाड़ी पार्क भी नहीं किया, बस लगा दे सकते हैं। और अपन अब जाते हैं प्रताप महल पे, आए हैं यहाँ पे एंड बहुत अच्छा दिन निकला है आज का। और ये देखो प्रताप महल है भाई, फिलहाल विनीता ने बुलाया कि भाई सामान वगैरह ज़्यादा है तो आज आप प्लीज़ थोड़ा हेल्प करें। तो अपन जा रहे हैं वहाँ पे, देखा आप लोगों ने वहाँ पे शादी का फंक्शन चल रहा था तो डेस्टिनेशन वेडिंग होती है हमारी भी इस तरीके से कुछ हुई थी, वो सब चल रहा है पुष्कर में भाई। बढ़िया बढ़िया तरीके से लोगों को लूट रहे हैं बाहर के लोगों को, और इधर इधर के लोगों ने उनको पता है भाई क्या रेट्स बनते हैं उस हिसाब से रेट्स वो देते हैं। पर ठीक है अभी काफ़ी हॉट हो गई पुष्कर में शादी करना, पहले भी आ चुका हूँ मैं इस रिजॉर्ट पे। चलो भाई जल्दी सामान वामान लेके फिर निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि विनीता का सामान पैकअप करना है बहुत सारा। मैं इधर ही खड़ा हूँ। लो भाई आ गई।